Now next, another interesting example regarding characters or integers. Characters के केसेस में C लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, लेकिन सिंगल कोट्स के अंदर मैक्सिमम टू सिंबल्स राइट करना पॉसिबल, बिकॉज सम कैरेक्टर्स आर मेड बाय यूजिंग सिंगल सिंबल्स, सम कैरेक्टर्स आर मेड बाय यूजिंग टू सिंबल्स लाइक अ स्लैश एन. स्लैश एन के केस में टोटल कैरेक्टर्स कितने बन, लेकिन टोटल सिंबल्स कितने यूज हो रहा है, टू सिंबल्स. इसलिए सिंगल कोट के अंदर मैक्सिमम अप टू टू कैरेक्टर्स प्रोवाइड करना पॉसिबल है. अगर आप टू से ज्यादा कैरेक्टर्स प्रोवाइड करोगे लाइक ए बी सी, इट इज इनवैलिड केस. वी कैन प्रोवाइड अप टू टू कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोटेशंस लाइक दैट, देयरफॉर बोथ आर वैलिड केस. इन दैट केस फर्स्ट वन वेरिएबल एक्स, एक्स का टाइप क्या करेंटली इन टाइप ऑफ एक्स इज कैरेक्टर, एक्स का डेटा टाइप कैरेक्टर, इसलिए एक्स के लिए टोटल बाइट्स एलोकेट करें ओनली वन बाइट्स, देयरफॉर वी आर डिक्लेयरिंग और रिजर्विंग वन बाइट फॉर एक्स टॉप ऑफ द स्टैक. नेक्स्ट वन वाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो वाई का टाइप क्या है, इंटीजर. वाई के रिस्पेक्ट में टोटल बाइट्स एलोकेट होंगे, देयर आर टू बाइट्स बिकॉज ऑफ इंटीजर टाइप्स. What is the base address of y? Base address is always smallest address. अगर y के रिस्पेक्ट में एड्रेस की बात करें तो एड्रेस क्या है इसका 99. रियल में इस प्लेस पर एक स्लैक बाइट क्रिएट होगा जो कि डिस्कस करें ड्यूरिंग एरे. इन दैट केस फर्स्ट वन x इक्वल्स टू ए बी, एक्स इक्वल्स टू ए बी, एक्स के केस में आसान क्या हो रहा है, ए एंड बी. अगेन इस केस में प्रोवाइड करेंगे, इट्स मीन्स आपको ऑलरेडी पता है कैरेक्टर्स मेमोरी के अंदर हमेशा आस्की वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर होते हैं, इसलिए ए का आस्की वैल्यू क्या है 65 और बी का आस्की वैल्यू क्या है 66. टू सिंबल्स है, टू सिंबल्स के लिए टोटल देखा जाए तो वन बाइट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, वन बाइट्स फॉर ए वन बाइट्स फॉर बी. लेकिन एक्स के पास ओनली अवेलेबल कितने बाइट्स हैं, ओनली वन बाइट्स, इसलिए एक्स में कैसा होगा ओनली फर्स्ट बाइट, ओनली फर्स्ट बाइट डेटा, रिमेनिंग डेटा ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा. देन फाइनली इसमें आसान क्या हुआ, ए और ए का बाइनरी नंबर क्या है 1 5 times 0, ए मीन 65, बाइनरी नंबर ऑफ 65 इज दैट 1, मीन्स इट इज इक्वलेंट टू 64 + 1, रिमेनिंग टाइम्स आर 0. नेक्स्ट वन एक्स के पास टोटल 8 बिट्स हैं, इसलिए एक्स्ट्रा बिट क्रिएट कर लेंगे एज अ 0 डिफॉल्ट बिट्स. दिस इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स, सेम मीन्स इस डेटा को कॉपी करेंगे इनसाइड एक्स 0 1 0 0 0 0 1, दिस इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स. नेक्स्ट वन सेम डेटा सेंड किया इनसाइड वाई, वाई के केसेस में बात करें करंटली वाई का ऑलरेडी साइज क्या है 2 बाइट्स, प्लस इस डेटा को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड भी कितने बाइट्स हैं, ऑल्सो 2 बाइट्स, 1 बाइट फॉर ए 1 बाइट फॉर बी, बिकॉज एक सिंगल कैरेक्टर का साइज क्या होगा 1 बाइट, टोटल 2 कैरेक्टर आसानी की, इसलिए टोटल साइज क्या है 2 बाइट्स. इस केस में जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65 एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 66. 65 के अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर कितने बिट्स में राइट करें, दोनों ही केसेस में 88 बिट्स में बाइनरी नंबर राइट हुआ. 65 का बाइनरी क्या है 1 5 times 0 1, लेकिन 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं 0. नेक्स्ट वन 66 के केस में बाइनरी नंबर क्या होगा इसका 1 5 times 4 times 0. 66 इज इक्वलेंट टू 64 + 2, 64 + 2, 2 के लिए क्या आएगा 1, रिमेनिंग टाइम 0, सो द बाइनरी नंबर ऑफ 66 1 0. इस केस में टोटल सेम बिट्स हैं, एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कराएंगे एज 0, 8 बिट्स एंड 8 बिट्स. नाउ दैट नंबर और इन्फॉर्मेशन विल बी कॉपीड, दिस वन इज अ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में. स्टैक के अंदर डेटा हमेशा बॉटम टू अप डायरेक्शन में असाइन कराएंगे, तो सबसे पहले डेटा किस लोकेशन में असाइन होगा, अंदर लोकेशन called as 100. This data will be copied that place. Next one, this information will be copied on the next top locations. Means bottom to up direction. Next top location क्या इसका 99. That one. Means इस data से data सारे first byte में कैसा होगा 100 location में 0 1 0 0 0 0 1.
सेकेंड केस में क्या साइन होगा, 01 00 0010 लाइक दैट। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई। इन इस केस में डेटा मैंने ना ही परसेंट सी के थ्रू डिस्प्ले करा ना ही परसेंट डी के थ्रू डिस्प्ले करा, बाई यूजिंग परसेंट एक्स परसेंट एक्स परसेंट एक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा डेसिमल नंबर। करंटली इंफॉर्मेशन अवेलेबल किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। अगर जब भी आप किसी बाइनरी नंबर को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली इस केस में क्रिएट करेंगे पेयर्स ऑफ 44 बिट्स लाइक दैट। इस केस में जब 44 बिट्स के पेयर्स क्रिएट करेंगे इन दैट केस, तो इस केस में मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्ले हुआ, दिस 01000001 मीन्स 0100 का मीनिंग क्या, इट इज इक्वलेंट टू 4, दिस वन इज इक्वलेंट टू 1। तो फर्स्ट एक्स के केस में क्या डिस्प्ले हुआ, सिंपली 41। आफ्टर दैट स्पेस स्पेस के जस्ट बाद तो वाई का डेटा डिस्प्ले हुआ, तो वाई के रिस्पेक्ट में स्पेस पर डेटा स्टैच हो रहा है, लेकिन रियल में डेटा स्टैक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कैसे हुआ, बॉटम टू अप दिस वन 4 4, फर्स्ट वन इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 4। सेकेंड केस में क्या आएगा, सॉरी वी हैड डन सम मिस्टेक इन दैट केस। इस केस में डेटा जब डिस्प्ले कराएं तो वाई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट बाइट क्या है, वाई का 99 और सेकेंड बाइट क्या है 100। तो सबसे पहले फर्स्ट बाइट के अकॉर्डिंग पेयर्स क्रिएट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट बाइट ऑनवर्ड्स, फर्स्ट वन फॉर दैट वन। इस केस में डेसिमल क्या है इसका 4, इस केस में डेसिमल वैल्यू क्या आएगा 2। अगेन नेक्स्ट केस के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, अगेन 4। नेक्स्ट वन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, अगेन 1। फाइनली y के रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्ले हुआ, हेक्साडेसिमल वैल्यू है 4241। x के रिस्पेक्ट में क्या डिस्प्ले हुआ, ओनली 41। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। मीन्स x के केस में ओनली वन बाइट असाइन करना पॉसिबल हुआ था, क्योंकि x का सारे टाइप क्या, कैरेक्टर, कैरेक्टर कैन स्टोर ओनली वन बाइट्स। लेकिन इस केस में असाइन भी कितने बाइट्स हो रहे हैं, सिंगल कोट्स के थ्रू 2 बाइट्स, और y के पास अवेलेबल भी कितने बाइट्स हैं, ऑल्सो 2 बाइट्स। इसलिए y के केस में डेटा सक्सेसफुली असाइन करना पॉसिबल हुआ कम्प्लीटली, लेकिन x के केस में ओनली फर्स्ट बाइट स्टोर हुआ, सेकेंड बाइट ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो चुका था।